बड़ी खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। दिल्ली में सीएम आतिशी के खिलाफ मानहानि का मामला, मामले पर राउत रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की अगली सुनवाई अब 23 और 24 अक्टूबर को होगी। अगली सुनवाई में दोनों पक्षों की ओर से बहस होगी। पिछली सुनवाई में सेशंस कोर्ट ने भेजा था नोटिस, शिकायतकर्ता प्रवीण शंकर कपूर को नोटिस भेजा था। आतिशी ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के समन के आदेश को चुनौती दी है। बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर ने मानहानि की दर्ज कराई थी शिकायत। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 28 मई को आतिशी को समन भेजा था। आपको बता दें कि बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर ने आतिशी पर लगाया है आरोप कि बीजेपी की छवि खराब करने का आरोप लगाया गया है। बीजेपी पर आम आदमी पार्टी के विधायकों को पैसे देकर तोड़ने का भी आरोप लगाया गया है। तो ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रही है। आतिशी को लेकर शिकायतकर्ता प्रवीण कपूर को नोटिस भेजा गया था, तो ये बड़ी जानकारी है। और इस पूरे मामले में अब अगली सुनवाई की तारीख भी तय हो गई है। इस बीच हमारे साथ सुमित जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। सुमित, ये पूरा मामला जरा विस्तार से बताइएगा, क्योंकि दिल्ली के सीएम आतिशी के खिलाफ ये पूरा मानहानि का मामला है और इसमें अब अगली सुनवाई कब होनी है मामले पर? देखिए, चूंकि इस पूरे मामले में प्रवीण शंकर कपूर को पिछली सुनवाई में कोर्ट ने नोटिस जारी किया था, चूंकि यहाँ रिविजन पिटीशन जो है आतिशी की ओर से दायर किया गया है, चूंकि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस पूरे मामले में जो है वो समन जारी किया था आतिशी को। इसी समन को बकायदा उन्होंने राउत रेवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट में चैलेंज किया है। पिछली सुनवाई की बात की जाए पलक, तो इस मामले में नोटिस जारी किया था कोर्ट ने शिकायतकर्ता बीजेपी नेता को, और आज बीजेपी की नेता की ओर से बताया गया कि उन्होंने जवाब दाखिल कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि चूंकि जवाब दाखिल होने के बाद दोनों पक्षों को हमें सुनना है, लिहाजा हम कोर्ट इस मामले में तारीख हम तय करते हैं। तो 23 और 24 अक्टूबर को कोर्ट ने तारीख तय कर दी है। उस दिन दोनों पक्षों की बहस जो है वो कोर्ट सुनेगा। उसके बाद कोर्ट ये तय करेगा कि क्या ट्रायल कोर्ट का जो, यानी कि जो मजिस्ट्रेट कोर्ट का जो समन का जो आदेश है वो सही है या नहीं। क्योंकि यहाँ आतिशी का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में जो संज्ञान लिया गया था शिकायत पर वो बिल्कुल गलत था, और संज्ञान लेने के बाद जो आतिशी को समन जारी किया गया था वो बिल्कुल गलत है, लिहाजा ट्रायल कोर्ट के समन के आदेश को रद्द कर दिया जाए। वहीं अगर आपको हम बताएं कि इस पूरे मामले में प्रवीण शंकर कपूर की जो शिकायत है, मेन शिकायत है आतिशी के खिलाफ, उस पर आज दोपहर 2 बजे सुनवाई होनी है। ये फिलहाल अपील थी आतिशी की, जिस पर कोर्ट ने तारीख तय कर दी है दोनों पक्षों को बहस सुनने के लिए 23 और 24 अक्टूबर की। तो अब दोपहर 2 बजे आतिशी के खिलाफ जो बीजेपी नेता ने शिकायत दर्ज कराई है उस पर सुनवाई होनी है। लेकिन यहाँ जो आतिशी की जो अपील थी उस पर राउत रेवेन्यू कोर्ट ने बहस की तारीख जो है वो तय कर दी है। 23 और 24 अक्टूबर को दोनों पक्षों को कोर्ट सुनेगा। उसके बाद कोर्ट तय करेगा कि क्या मजिस्ट्रेट कोर्ट का जो आदेश था संबंध का, क्या वो सही था या नहीं। पलक, सुमित, क्योंकि बीजेपी नेता की तरफ से इसमें कुछ और आरोपों का भी जिक्र है, जैसे कि बीजेपी की छवि खराब करने की कोशिश, या इसके अलावा चाहे आम आदमी पार्टी के विधायकों को पैसे देकर तोड़ने का भी इसमें आरोप लगाया गया, क्योंकि जी बिल्कुल। देखिए, प्रवीण शंकर कपूर ने इसी आधार पर आतिशी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी, और इसी साल के मई महीने में कोर्ट ने आतिशी को समन जारी कर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। समन की तामील करते हुए आतिशी बकायदा कोर्ट में पेश हुई थी, उन्हें जमानत भी मिल गई थी। लेकिन अब आतिशी का सेशंस कोर्ट में अपील में यह कहना है कि जो ट्रायल कोर्ट का, यानी कि जो मजिस्ट्रेट कोर्ट का जो आदेश था समन जारी करने का, उसे रद्द किया जाए, यानी कि मानहानि का मुकदमा उनके खिलाफ नहीं। आप बने रहिएगा, आपके पास मैं लौटूंगी।